यार 4 साल आर्मी में रह के क्या करेंगे, क्यों सब सोचता है ना कि 4 साल आर्मी में रह के क्या करेंगे यार, आर्मी तो फिर बाहर निकाल देगी। ये मिसकंसेप्शन है। ये जो अग्निवीर स्कीम निकाली गई है फॉर लेडी सोल्जर्स, फॉर मेन सोल्जर्स, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पहला चीज़ है कि चार साल नहीं, पहला है आप अगर 100% लोगों में से 50% लोगों को आर्मी में रिटेन किया जाएगा, ये श्योरिटी है। तो 50% जो बेस्ट होंगे वो आर्मी में रिटेन किए जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप आर्मी में जा रहे हैं 4 साल तक, अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छे से सिखलाई प्राप्त कर रहे हैं और आपका ट्रेनिंग अच्छा है और आप यूनिट के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो 50% लोग आपके वहाँ रहेंगे, परमानेंट हो जाएंगे। उसके लिए सरकार दोबारा नहीं सोचती, आपको उसी टाइम परमानेंट कर दिया जाएगा, एक फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, जो बाकी 50% है उनका क्या होगा, सबसे बड़ा डाउट ये है। बाकी 50% अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने, अभी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रही है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी, कि जो बैलेंस 50% होंगे उसको हम अपना स्टेट फोर्सेस में, स्टेट पुलिस फोर्स में ज्वाइन कराएंगे 10%। फिर बाकी 10% का क्या होगा, 10% अभी BSF CRPF सोच रही है कि हम 10-15% लोग जो बैलेंस बचे होंगे उसको अपनी फोर्स में लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेंगे। तो आपको अगर देखा जाए तो कुल मिला के करीब 80% लोग एब्जॉर्व हो जाएंगे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, चाहे वो पुलिस में हो, और 50% आर्मी में है ही है। ये सब चल रहा है और हो रहा है, BSF ने अनाउंस कर दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, बाकी भी गवर्नमेंट ये पॉलिसीज ला रही हैं, उससे फ़ायदा। और अगर आप बाकी जो छोड़ना चाहते हैं उनको आर्मी 10 लाख रुपीज इन हैंड दे रही है कि आप जाइए अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अपना कुछ कारोबार शुरू कीजिए, या आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोच समझ के फैसला लिया है, ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके इसने सोचा और लिख दिया, नहीं। अगर आपको इसराइल के बारे में पता हो, इसराइल में हर एक नागरिक को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 2 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है या नहीं, आपको पता हो, है वो क्यों है, 2 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है जिससे आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये अग्निवीर का निकाला है, तो इससे फ़ायदा है लोगों को, ना कि नुकसान है। भर्तियाँ जहाँ अगर हम 50% एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो सोचो पहले अगर 10,000 या 1 लाख के करीब साल में भर्ती होगी, तो अभी मुझे कितनी भर्ती करनी पड़ेगी साल में, अगर मुझे 50% ऑब्जर्व करना है तो भर्ती 2 लाख